हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस डिस्कस करूंगा और साथ ही में पांच इंट्राडे स्टॉक्स को भी डिस्कस करूंगा जिसे आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 की एनालिसिस को देखेंगे। तो निफ्टी 50 में ट्रेडर्स, आज हम लोग को कोई भी मोमेंटम वाला ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला। जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 अगर 17,650 के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तब हम लोग एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 17,727 के लिए। वहीं पर अगर नीचे की साइड में हम लोग को 17,475 का लेवल टूटते हुए नजर आता है तब हम लोग निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ट्रेडर्स, कल अब एक्सपायरी डे है, तो कल अगर कोई मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो हम लोग कल भी इसी एनालिसिस को ट्रेड करने वाले हैं। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वहीं पर अगर नीचे की साइड में ये सपोर्ट टूटते हुए नजर आता है तब हम लोग सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आज हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ था निफ्टी 50 के अंदर। अगर इसके थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होता और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूटता तब हम लोग को एक बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिल सकता था, लेकिन इस तरह के सेटअप में मैक्सिमम टाइम यही होता है कि निफ्टी उस दिन गैप अप या फिर गैप डाउन, यानी जहां हमारा टारगेट है उसी के नजदीक में खुलता है और उस दिन हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिल पाता है। तो ट्रेडर्स, कल के लिए हमारी एनालिसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग निफ्टी बैंक को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी बैंक तो और भी ज्यादा साइडवेज रहा निफ्टी के कंपैरिजन में भी। अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी बैंक में आज हम लोग को ज्यादा कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। आज पूरा दिन हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर प्रीमियम इरोजन चलते रहा है। तो आई होप अब कल एक्सपायरी है तो कल के दिन हम लोग को शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिले आइदर साइड के अंदर। तो निफ्टी बैंक में भी ट्रेडर्स हमारी सेम एनालिसिस रहने वाली है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है 39,630 का तो हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड लेंगे। वहीं पर अगर नीचे की साइड में ये अपने 39,200 के सपोर्ट को तोड़ देता है तब जाकर के हम लोग कहीं सेल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 38,900 के अप्रॉक्स। वहीं पर ट्रेडर्स, अब हम लोग देख सकते हैं कि फिर से एक और ट्रेंड लाइन बनते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोग को एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है कल। अगर निफ्टी बैंक इधर कहीं ओपन होता है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूटते हुए हम लोग को नजर आता है तब हम लोग एक पीई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट हम लोग का रहेगा 39,272 के अप्रॉक्स में। यानी कि हम लोग को सेल करना होगा इस ट्रेंड लाइन टूटने के बाद, यानी कि जब 39,400 का लेवल टूटेगा तब हम लोग लगभग 130 पॉइंट के लिए पीई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग पांच इंट्राडे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिसको आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, कल के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है बंधन बैंक। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम लोग इसको डिटेल में देखें तो ये जो जोन है पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और हम लोग को एक शानदार मोमेंटम भी देखने के लिए मिला और अब एक बार फिर से यही लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल अगर हम लोग को इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेंगे। बाई करेंगे 285.5 पर, हमारा टारगेट रहेगा 288 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 284.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। वहीं पर अगर नीचे की साइड में इसका ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 282.5 पर, हमारा टारगेट रहेगा 280 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 283.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। कल के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है IRCTC। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो कल अगर ये अपने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे बाई करेंगे 708 पर, हमारा टारगेट रहेगा 715 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 705.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। वहीं पर अगर नीचे की साइड में इसका सपोर्ट टूट जाता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 701.5 पर, हमारा टारगेट रहेगा 695.5 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 703.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। कल के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेज। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार राइजिंग वेज पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो कल इसमें हम लोग को एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिल सकता है सेल साइड के अंदर। अगर ये अपने इस सपोर्ट को तोड़ता है तो हम लोग इसे सेल करेंगे 3460 पर, हमारा टारगेट रहेगा 3430 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 3470 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और ट्रेडर्स, अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर बाई साइड में कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मैं सिर्फ वैसे ही इंट्राडे की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिसमें हम लोगों को कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो। तो कल के लिए मेरा चौथा इंट्राडे स्टॉक है टाइटन।
टाइटन में ट्रेडर्स एक बार फिर से हम लोग को बहुत ही शानदार रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिलता है किसी भी साइड में, तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर कल ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे 2648 पर, हमारा टारगेट रहेगा 2665 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2642 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। वहीं पर अगर नीचे की साइड में इसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 2602 पर, हमारा टारगेट रहेगा 2590 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2606 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। वहीं पर कल के लिए मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है एफएल। एफएल में ट्रेडर्स एक बार फिर से हम लोग को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल इसमें भी हम लोग को आइदर साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर इसका नीचे की साइड में सपोर्ट टूटता है यानी कि ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 1249 पर, हमारा टारगेट रहेगा 1235 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1253 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3.5, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। वहीं पर अगर ऊपर की साइड में इसका ब्रेकआउट आता है अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 1288 पर, हमारा टारगेट रहेगा 1300 का, और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1284 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स, ये 5 इंट्राडे स्टॉक्स को आप लोग कल के लिए अपने वॉचेस में ऐड करके रख सकते हैं। कल इन सभी के अंदर हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, और साथ ही में ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स को मैंने आज के इंट्राडे सेशन के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया था। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज कोई भी इंट्राडे ट्रेड इन सारे स्टॉक्स के अंदर लिया है या फिर नहीं लिया है। ट्रेडर्स, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाने में। तो आइए देखते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था कमिंस इंड। इसमें ट्रेडर्स, आज हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला है। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, हम लोग को इसे बाई करना था 1226 पर, हमारा टारगेट था इसके अंदर 1236 का, और ये आज हाई बनाया है लगभग 1250 के अप्रॉक्स में। तो कमिंस इंडस्ट्रीज ट्रेडर्स, आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। आई होप आप लोग इसे आज मिस नहीं किए होंगे। वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये अपने इसी लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आया था, और फिर से हम लोग को इसमें 1236 का टारगेट मिलते हुए नजर आया है। तो जिन लोगों का फर्स्ट टाइम में मोमेंटम छूट भी गया होगा स्टार्टिंग में, उन लोगों को भी सेकंड चांस में इसमें फिर से ट्रेड लेने का मौका मिला था। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज इस मोमेंट को कैच किया होगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा। आज के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक था सन फार्मा। सन फार्मा भी ट्रेडर्स, हम लोग को बहुत ही शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था। आज हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग को प्रॉपर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, यानी कि कैंडल का क्लोजिंग भी देखने के लिए मिला, उसके बाद सन फार्मा के अंदर बहुत ही शानदार मोमेंटम भी आया। एग्जैक्टली ये हाई बनाया लगभग 896.5 के अप्रॉक्स में। तो आई होप ट्रेडर्स, आप लोगों ने आज इसके अंदर भी प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा। हम लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 45 से 50 मिनट तक इसी लेवल्स के आसपास में घूमते हुए नजर आ रहा है हम लोग को, और हम लोग देख सकते हैं कि 3 बजे के आसपास में भी ये लगभग 895 के ऊपर ही चल रहा था। तो आई होप ट्रेडर्स, इसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा आज। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट बुक किया था या फिर नहीं किया था, और कितने टारगेट पर आप लोगों ने इसे बुक किया, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद ये जाकर के हमारे स्टॉप लॉस को एक बार भी हिट नहीं किया है। बात करते हैं आज के लिए मेरे तीसरे इंट्राडे स्टॉक का, तो वो था HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर ट्रेडर्स, आज हम लोग को बाई साइड में कोई भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। हम लोग देख सकते हैं ये 578 के लेवल्स को नहीं ब्रेक कर पाया। सेल साइड के अंदर हम लोग को एक इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला था, यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग को इसे सेल करना था 571.5 पर, लेकिन इसमें हमारा टारगेट था 566.5 का, और ये लो बना पाया अप्रॉक्सीमेटली 569.3 के अप्रॉक्स में। तो ट्रेडर्स, इसके बाद इसके अंदर हम लोग को यू टर्न देखने के लिए मिला और ये जा करके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर गया। अगर हमारे 3 इंट्राडे स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस हिट होता है और मात्र 2 में भी अगर हम लोग को टारगेट अचीव होता है, तो हम लोग उसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे उस दिन का, तो हमारा ग्रीन में ही शो करेगा, और वो भी एक अच्छे अमाउंट के साथ सारे ब्रोकरेज को हटा करके। और आज के लिए मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था हैवेल्स। हैवेल्स के अंदर आज हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला है। बाई साइड में भी देख सकते हैं हम लोग को इसके अंदर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, उसके बाद हम लोग को एक शानदार मोमेंटम मिलते हुए नजर आया। ये जाकर के हाई बनाया अप्रॉक्सीमेटली 1388 के अप्रॉक्स में, लेकिन इसके अंदर भी हमारा टारगेट था 1390 का, तो टारगेट तो अचीव नहीं हो पाया। आई होप आप लोगों को इसके अंदर कोई भी इंट्राडे लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग को इसके अंदर अपना जो स्टॉप लॉस था उसे ट्रेल करके अपने बाइंग प्राइस पर ला करके रखना था।
और जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया उन लोगों को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि हैवेल्स के अंदर जब हम लोग को सेल साइड का इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला तो बहुत ही शानदार इंट्राडे मूव हम लोग को देखने के लिए मिला। यहाँ पर ये लो बनाया है 1363 के अप्रॉक्स में। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों ने हैवेल्स के अंदर सेल साइड में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाई साइड में जिसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा वो मात्र 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वहीं पर सेल साइड में हम लोग को यहाँ पर लगभग 9 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करने के लिए मिलते हुए नजर आया है। यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, फिर ये रीटेस्ट भी लिया और फिर एक शानदार डाउन साइड का मूव भी हम लोग को देखने के लिए मिला। तो यही बेनिफिट होता है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। एक ही स्टॉक के अंदर दो इंट्राडे ट्रेड हम लोगों ने लिया, एक बाई साइड के अंदर एक सेल साइड के अंदर। बाई साइड के अंदर हमारा जो टारगेट था 2 पॉइंट से मिस हो गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन सेल साइड के अंदर 9 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है, यानी कि मात्र 3 पॉइंट का लॉस हुआ है और 9 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है। और आज के लिए मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक था माइंडट्री। माइंडट्री में ट्रेडर्स आज हम लोग को कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट ये सबसे लास्ट में दिया, यानी कि 3:15 के बाद। तो आप लोग इसे कल के लिए भी अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर ये फिर से अपने इस लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आता है, थोड़ा देर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम माइंडट्री के अंदर अभी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप ट्रेडर्स आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, अगर आप लोग इसका यूज करके इंट्राडे में प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल द मार्केट वर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।